हे फ्रेंड्स, अरसलो कुकिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बरखी का मीठा, शादियों वाला, जो शादियों में बहुत बनाते हैं इधर। बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी लगता है और बहुत आसान भी है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमने बरखी को ले लिया। अब हम बरखी को कुचल के उसका पाउडर बना लेंगे। फुल बारीक नहीं, थोड़ा मोटा मोटा कुचल लेंगे। चलिए, हम इसी तरह बना लिया। अब हम बरखी का मीठा बनाते हैं। चलिए, एक बर्तन में हमने घी डाल दिया, थोड़ी सी इलायची, काजू, उसको अच्छी तरह से तल लेंगे। उसके बाद हम जो बरखी को का पाउडर बना लिया था वो भी डाल देंगे, उसको भी अच्छी तरह से तल लेंगे। चलिए, खुशबू भी बहुत बड़ी आ रही है। अब हम दूध डाल देंगे। दूध को पहले से ही मैं गर्म करके रख लिया था। अब हम दूध डाल देंगे, उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैंने 1 लीटर दूध 1/4 किलो बरखी लिया है, उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पांच मिनट तक पकाएंगे। अब हम शक्कर को डाल देंगे, उसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। शक्कर डालने के बाद फिर से 5 मिनट पकाएंगे। अब हम खोया डाल देंगे, उसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम कंडेंस मिल्क डाल देंगे। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चलिए, तैयार है शादियों वाला बरखी का मीठा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरे रेसिपीज अच्छे लगे तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। अब पूरी तरह से मीठा पक चुका है। अब हम एक कटोरे में निकाल लेंगे, ऊपर से थोड़े से कटे हुए बादाम डाल देंगे। चलिए, अब टेस्ट करते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब बना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके रिश्तेदार, आपके घर वालों को, सबको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू।